तो क्या हमें हर मंदिर में माथा टेकना चाहिए, या फिर हमें माथा टेकने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि जिस मंदिर में हम माथा टेक रहे हैं उस मंदिर के अंदर मूर्ति कौन से भगवान की है, या फिर उस मंदिर के अंदर मूर्ति है भी या वो मंदिर खाली है। क्योंकि इस तरह के किसी भी मंदिर में माथा टेकना आपके लिए एक तरह का रियल ट्रबल हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे एक सब्सक्राइबर अमित की फैमिली के साथ, जब उन्होंने एक ऐसे ही मंदिर में माथा टेका, उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो आपके रोंगटे खड़े करके रख देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये सारा इंसिडेंट हुआ हमारे ही एक सब्सक्राइबर अमित की फैमिली के साथ। और इस इंसिडेंट की शुरुआत करने से पहले ये जान लेते हैं कि अमित की फैमिली में कौन कौन है। तो अमित के घर में अमित सबसे छोटा है, अमित के बाद अमित से 4 साल बड़ी उसकी बहन है जिसका नाम दिशा है, और उसके बाद अमित के मॉम और डैड जिनका नाम संजय और अनीता है। तो ये जो इंसिडेंट था ये अमित की फैमिली के साथ साल 2011 के जून मंथ से शुरू हुआ, जब अमित 21 इयर्स के थे और अमित की बहन दिशा 25 इयर्स की थी। और अमित के डैड संजय उस समय एक स्कूल में लेक्चरर थे और उनकी रिटायरमेंट को सिर्फ 6 महीने बाकी थे। और ये फैमिली पहले उत्तराखंड के भनोली गाँव में रहती थी, जहाँ पे अमित के डैड उनके भाइयों के साथ ही रहते थे। लेकिन जब रिटायरमेंट को 6 महीने बाकी थे तो अमित के डैड ने डिसाइड किया कि वो अपनी अलग से जमीन लेके अपना एक घर बनाएंगे, जिसके लिए उन्होंने जमीन देखना भी शुरू कर दी। और उनके से में आया कि उनके पास ही के एक गांव जिसका नाम था स्वाला, वहां पे उनको काफी कम रेट में अच्छी जमीन मिल रही थी। तो वो जमीन देखने अमित के मॉम और डैड दोनों साथ में गए। जब अमित की फैमिली ने वो स्वाला वाली जमीन देखी तो उनको वो जमीन बहुत ही ज्यादा पसंद आई और उन्होंने बिना देरी किए वो जमीन खरीद ली। अब ये सारी जमीन को खरीदने वाली जो फॉर्मेलिटीज थी ये एक हफ्ते में कंप्लीट होगी। तो इसके बाद उन्होंने स्वाला का ही एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ के उसको घर की कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया। लेकिन जब अमित के पेरेंट्स अपने घर की बाउंड्री लगा के वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो उनके लैंड की एंट्रेंस थी उस पे उनके लैंड वाली साइड एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। तो हमें बचपन से ही इस तरह से सिखाया जाता है कि कोई भी अगर मंदिर दिखे या फिर कुछ भी इस तरह की चीज दिखे तो उसको हम सीधा माथा टेक लेते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि वो मंदिर है किस चीज का और उसके अंदर कौन से भगवान की मूर्ति या फिर कौन से भगवान का वो मंदिर है। तो अमित के मॉम डैड ने भी ऐसा किया, उन्होंने भी चलते चलते उस मंदिर में माथा टेक लिया और उसके बाद वो अपने घर चले गए। और इसके बाद घर का काम चलता रहा और अमित के डैड संजय बीच बीच में आके घर का जायजा लेते रहते थे। और धीरे धीरे करके 6 महीने बीत गए और उनके घर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। और इन्हीं 6 महीनों के बाद संजय की रिटायरमेंट भी थी। अब इसके बाद संजय की रिटायरमेंट पे घर पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ और ये जो सेलिब्रेशन था ये संजय के पुराने घर भनोली में ही हुआ। लेकिन इस सेलिब्रेशन के कुछ दिनों के बाद ही संजय की फैमिली ने प्लान किया कि वो अपने नए घर के पास ही एक रेंटेड अपार्टमेंट लेके शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके घर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था और वहां पे कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा सामान पड़ा था जिसकी देखरेख के लिए वहां पे कोई भी नहीं था। तो फैमिली ने खुद ही शिफ्ट होने का सोचा और जिस दिन संजय की फैमिली वहां शिफ्ट होने के लिए गई तो वो सबसे पहले अपने नए घर की कंस्ट्रक्शन देखने गए। तो जब वो अपने घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ही एंट्रेंस पे ही वो मंदिर था। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें आदत होती है कि कोई भी इस तरह का मंदिर देखो तो उसमें सीधा माथा टेक लेते हैं, तो अमित की फैमिली ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने सीधा जाके सबने बारी बारी वहां पे मंदिर में माथा टेका। लेकिन माथा टेकते टेकते अमित की मॉम अनीता ने एक बहुत ही वियर्ड चीज नोटिस की। उसने देखा कि उस मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। ये देख के उसको बहुत वियर्ड लगा लेकिन उन्होंने फिर भी इस बात को इग्नोर कर दिया। उन्होंने सोचा कि क्या पता जिसने ये मंदिर बनाया था वो ही अपने देवता को साथ में ले गए, या फिर इस तरह से उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वो अपने घर की कंस्ट्रक्शन देखने चले गए। सब अलग अलग हो गए, अपना अपना रूम चेक कर रहे थे सारे। लेकिन जैसे ही अमित एक रूम की तरफ गया तो उसको कुछ अंदर बहुत वियर्ड दिखाई दिया। हालांकि रूम के अंदर थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, उसको ऐसे लगा कि कोने में एक लड़की खड़ी है। लेकिन अमित ने इसमें समझदारी दिखाई। अमित रूम के अंदर नहीं गया बल्कि वो सीधा अपने पेरेंट्स के पास गया और उसने अपने पेरेंट्स को सब बताया कि उसे घर के एक रूम में एक लड़की दिखाई दी। अब घर वालों के लिए भी ये बहुत वियर्ड था कि रूम में लड़की कौन हो सकती है। तो वो घर वाले अमित के साथ उसी रूम में गए लेकिन रूम में कोई भी नहीं था। तो घर वालों ने उसको बोला कि हो सकता है अंधेरे की वजह से तुझे वहम हुआ हो या फिर कुछ, लेकिन अमित बहुत श्योर था कि उसने किसी को तो रूम के अंदर जरूर देखा था। लेकिन दिशा आसपास नहीं दिख रही थी तो घर वालों ने बोला कि हो सकता है तुझे दिशा ने डराया हो या फिर वो ही इस रूम के अंदर हो। ये बोल के उन्होंने ये टॉपिक ही खत्म कर दिया और वहाँ से सब अपने रेंटेड अपार्टमेंट की तरफ चले गए। लेकिन अमित के दिमाग में अभी भी ये सारे डाउट्स चल रहे थे कि उसने किसी को तो रूम में देखा था
और वो दिशा तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब इसके बाद उन्होंने अपने रेंटेड अपार्टमेंट में अपना सामान वगैरह शिफ्ट किया और वो वहाँ पे कंफर्टेबल हो गए। लेकिन जैसे शाम हुई तो ऐसा हमारे गांव के घरों में माना जाता है कि घर जब कंप्लीट हो जाता है तो उसमें अंधेरा नहीं रखते। तो अमित की मॉम ने भी यही सोचा कि अब ऑलमोस्ट हमारा घर कंप्लीट हो गया है, तो अमित की मॉम अपने नए घर में जोत जलाने चली गई। अब उनके नए घर में अभी तक लाइट की फिटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुई थी, तो उन्होंने जोत ली और साथ में एक टॉर्च ले ली जिसको लेके वो अकेले ही गए, क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट से जो उनका घर था वहां पहुंचने में सिर्फ 1-2 मिनट ही लगते थे, तो अमित की मॉम अकेले ही गए। लेकिन जैसे ही अमित के मॉम बरामदे में जोत जला रहे थे तो उनको किसी चीज की प्रेजेंस अपने आसपास फील हुई, जैसे कोई उनके आसपास चल रहा है। जैसे अगर हमारे सराउंडिंग में कोई इंसान या फिर कुछ भी कोई भी जानवर इंसान किसी भी तरह की चीज घूम रही हो तो हमें एक अलग तरह की प्रेजेंस फील हो जाती है। अमित की मॉम को भी ऐसा लग रहा था, तो उन्होंने पहले तो इग्नोर की लेकिन फिर उनको वही सेम फीलिंग आई, तो उन्होंने टॉर्च पीछे मार के देखा लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ऐसे शेड जिनमें कोई नहीं रहता उनमें कुत्ता बिल्ली इस तरह के जानवर आते रहते, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया इस बात को और उन्होंने जोत जलाई और वो उसके बाद अपने घर की तरफ जाने लगे। अब ऐसा होता है कि जब किसी का नया घर बन रहा होता तो वो उसको निहार के नहीं थकता है, तो अमित की मॉम भी इसी तरह से थे। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि रास्ते से एक बार फिर से अपना घर देख लेती हूँ दूर से कैसा लग रहा है। तो जैसे उन्होंने घूम के पीछे टॉर्च मारी तो वो टॉर्च को मूव करवा रहे थे बेसिकली सारे घर को देखने के लिए। तो जब वो टॉर्च को मूव करवा रहे थे तो मूव करवाते करवाते बीच में उनको ऐसा लगा कि उनकी टॉर्च के आगे कोई लड़की थी, लेकिन वो टॉर्च को आगे लेके गए और एकदम से जब उनको फील हुआ तो उन्होंने टॉर्च को वापस किया लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। अब अमित की मॉम को थोड़ा डर लगने लग गया था, उन्होंने सोचा कि उन्होंने किसी को तो देखा है लेकिन उसके बाद उनको वो चीज़ दिखाई ही नहीं दी। अब इसके बाद अमित की मॉम फटाफट से घर पहुंचे और उन्होंने अपने घर पे सब कुछ बताया और इसी बात से अमित भी रिलेट कर गया क्योंकि उसने भी रूम में किसी लड़की को जरूर देखा था। तो सारी फैमिली थोड़ा कंफ्यूज थी कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। अभी वो सब इसके बारे में डिस्कस कर ही रहे थे लेकिन दिशा इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरती थी, इनफैक्ट उसको लगता था कि भूत प्रेत ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है। तो उसने अपनी मॉम को भी इसी वे में बोला कि आप ऐसे डर गए होंगे और इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती, आप अंधेरे में अकेले गए थे तो हो सकता है कि आपको कुत्ता बिल्ली इस तरह की किसी भी आवाज़ ने डरा दी हो और आपका वहम हो गया हो। और इस तरह से उन्होंने इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म कर दिया। तो उन्होंने खाना वाना खाया और सब सोने चले गए। अब सब नॉर्मली सो गए थे लेकिन अमित के दिमाग में ये चीज़ें घूम रही थी क्योंकि उसने पहले खुद भी ये इंसिडेंट देखा था और उसके बाद उसकी मॉम भी ऐसा ही बता रही थी कि उन्होंने किसी लड़की को देखा। और इसके बाद सब कुछ नॉर्मली ही रहा। लेकिन अगले दिन शाम को जब अनीता जोत जलाने जाने लगी तो दिशा ने बोला कि मैं जाती हूँ, आप पिछले कल भी डर गए थे और मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता और ना ही मैं बिलीव करती हूँ, तो बेटर मैं जाऊँ। लेकिन घर वालों ने दिशा से ज़बरदस्ती की कि वो अपने भाई अमित को भी साथ में लेके जाए। लेकिन जो इस तरह का इंसान होता है जो कहता है कि उनको भूत प्रेतों से डर नहीं लगता, अगर उसको कोई बोले कि तू किसी इंसान को साथ में लेके जा तो उस इंसान की ईगो पे ये चीज़ें आ जाती हैं। तो दिशा के भी वो एक तरह से ईगो पे आ गई थी और दिशा इस जिद पे अड़ गई कि वो जाएगी तो अकेली जाएगी। और घर वालों को बाद में उसकी बात माननी ही पड़ी क्योंकि उनके अपार्टमेंट से घर पास में ही था, तो उन्होंने दिशा को अकेले जाने के लिए अलाउ कर दिया। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो जो उनका नया घर और अपार्टमेंट था वो लगभग 1-2 मिनट की दूरी पे था और जोत जलाने में ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट लगते होंगे। लेकिन दिशा जब गई उसके बाद घर वाले उसका वेट कर रहे थे, लेकिन दिशा के गए हुए आधा घंटा हो गया था लेकिन दिशा वापस नहीं आई। तो घर वाले बहुत परेशान हो गए कि इतनी रात को आखिर दिशा जा कहाँ सकती है। तो दिशा के डैड और भाई दोनों दिशा को ढूंढने निकल गए। जैसे ही वो अपनी ज़मीन में उस मंदिर के पास पहुंचे तो दिशा उनको सामने आती हुई दिखाई दे रही थी। तो उसके पापा ने उसको ठीक ठाक डांट लगाई कि इतनी रात को तू अकेली यहाँ पे क्या कर रही थी इतनी देर। तो दिशा ने बताया कि मैं चेक कर रही थी कि किसी रूम में कोई कुत्ता बिल्ली तो नहीं है, जैसे मॉम कल बता रही थी कि उनको ऐसा लगा कि कोई चीज़ थी वहाँ पे। इस तरह से दिशा ने इस बात को ख़त्म कर दिया। हालांकि उसको डांट ठीक ठाक पड़ी लेकिन सब घर वाले उसके बाद घर चले गए। इसके बाद उन्होंने खाना वाना खाया और वो रात को सोने चले गए। जो उन्होंने रेंटेड अपार्टमेंट लिया था उसमें दो ही रूम थे, एक रूम में संजय और अनीता सोते थे और दूसरे रूम में दिशा और अमित दोनों भाई बहन साथ में सोते थे। लेकिन उस रात एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ हुई। जब अमित और दिशा दोनों एक ही रूम में सो रहे थे तो अमित को रात को 1:30 बजे के अराउंड ऐसा लगा जैसे दिशा किसी से बात कर रही हो। अमित ने मुंह के ऊपर से ब्लैंकेट हटाना भी ठीक नहीं समझा क्योंकि अमित को लगा कि शायद फोन पे वो किसी अपने फ्रेंड से बात कर रही है। उसने देखा भी नहीं कि क्या वो फोन पे ही बात कर रही है या फिर कुछ और, लेकिन उसने ब्लैंकेट के अंदर से ही दिशा को डांट लगाई कि चुपचाप से सो जा जिससे बात कर रही है सुबह करना। और इसके बाद दिशा की आवाज़ें वहां से आनी बंद होगी और अमित उसके बाद सो गया। अगली सुबह अमित ने पूछना भी ठीक नहीं समझा कि हो सकता है किसी फ्रेंड से बात कर रही हो और नॉर्मल है तो उसने इस बात के बारे में जिक्र ही नहीं किया और इस तरह से ये दिन भी निकल गया। अब जब शाम हुई तो दिशा फिर से जिद करने लगी कि मैं ही जोत जलाने जाऊंगी, तो घर वालों ने फिर से अलाउ कर दिया। बस घर वालों ने उसको ये बोला कि कल की तरह बहुत लेट मत करना। जब दिशा मंदिर जाने वाली थी तो वो एक की जगह दो जोत बना रही थी, तो उसकी मॉम ने देखा और उनको काफ़ी वियर्ड लगा कि घर पे तो हम एक ही जोत जलाते हैं, ये दो जोत किस लिए बना रही है। तो जब उसकी मॉम ने दिशा से पूछा तो दिशा ने बोला दूसरी जोत मैं उस मंदिर के लिए बना रही हूँ।
लेकिन दिशा की मोम बहुत समझदार लेडी थी। उन्होंने बोला कि मंदिर हमें नहीं पता किसका है किसका नहीं है, और उस मंदिर के अंदर किसी भगवान की मूर्ति तक नहीं है, और उस मंदिर में हम बिल्कुल जोत नहीं जलाएंगे। लेकिन दिशा बहुत ज़िद्दी थी इन मामलों में, और दिशा काफ़ी देर ज़िद्द करती रही, लेकिन उसकी मोम ने उसको दो जोत लेके जाने नहीं दिया, और आखिरकार दिशा को एक ही जोत लेके जाना पड़ा। उसके बाद दिशा फिर से रात को अपने नए घर गई जोत जलाने, और फिर से पिछले दिन की तरह ही लगभग आधा घंटा होने को आया था, और घर वालों को फिर से फिक्र कि दिशा आज फिर से लेट होगी। तो पिछले दिन की तरह ही अभी दिशा के डैड और भाई उसको देखने जाने ही लगे थे कि जैसे वो दरवाजे पर पहुंचे तो दिशा बाहर ही खड़ी थी, और वो सीधा अंदर आ गई। तो दिशा को दिशा के डैड ने फिर से डांटा कि तू क्या कर रही थी। तो दिशा ने बताया कि ये तो नॉर्मल है, हमारा नया घर बन रहा है और मैं तो देख ही रही थी रूम जाके कि कैसे कैसे हैं, और कोई अंदर जानवर तो नहीं है। तो फिर से दिशा पिछले दिन की तरह ही इस बात को खत्म कर गई, लेकिन घर वालों को कुछ डाउट जरूर था कि आखिरकार ये इतना समय लगाती कहाँ पे है। ये बोल के दिशा ने अपना तो पीछा छुड़वा लिया, लेकिन घर वालों को स्पेशली दिशा की मोम को उस पे डाउट जरूर था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब इसके बाद उन्होंने खाना वाना खाया और वो अपने अपने रूम में सोने चले गए। और सेम पिछली रात की ही तरह रात को जब 1:30 बजे का टाइम हुआ तो दिशा फिर किसी से बातें कर रही थी, और अमित ने फिर इतना बॉदर नहीं किया कि वो ब्लैंकेट हटा के देखे कि दिशा बात किससे कर रही है। अमित ने फिर ब्लैंकेट के अंदर से ही दिशा को वैसे ही बोला कि चुपचाप सो जा, रोज रोज परेशान करना बंद कर दे। और उसके बाद दिशा की आवाज़ सही में आनी बंद हो गई और अमित भी सो गया। और सुबह उठते ही अमित ने दिशा से सबसे पहले यही पूछा कि तू रात को बात किससे करती है, और अगर किसी से बात करनी भी हो तो दिन में किया कर, रात को मेरी नींद मत खराब किया कर। तो दिशा ने उसको नॉर्मली बताया कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अब अमित ने ये भी नहीं पूछा कि वो किस फ्रेंड से बात कर रही थी और क्या वो फ़ोन पर ही बात कर रही थी, क्योंकि असली किस्सा कुछ और ही था। अब इसके बाद अगला दिन हुआ, सब नॉर्मल रहा, और जैसे ही शाम हुई तो दिशा फिर से मंदिर जाने वाली थी, और उसकी मॉम ने देखा कि उस दिन दिशा दो नहीं बल्कि एक ही जोत बना रही थी। तो वो खुश थे कि ठीक है, समझ गई है बात को जो उसको कल समझाया था, और दिशा उसके बाद एक जोत बना के अपने नए घर पर जोत जलाने चली गई। लेकिन उसकी मॉम को उस पर डाउट था, तो उन्होंने अमित को दिशा के पीछे भेज दिया कि जाके देख कि दिशा आखिर करती क्या है। अब अमित दिशा के पीछे पीछे गया, और जैसे वो अपनी ज़मीन के पास पहुँचे उसके बाद जो अमित ने देखा वो देख के अमित के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि दिशा जो जोत लेके आ रही थी वो घर पे नहीं बल्कि उस मंदिर में जला रही थी, और मंदिर में जो जलाने के बाद दिशा किसी के साथ बैठ के गप्पे भी मार रही थी। और जब अमित ने देखा तो दिशा के साथ वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन दिशा किसी से बातें कर रही थी। ये देख के अमित बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा डर गया, और वो सीधा भागते हुए अपने घर चला गया। और घर जाके उसने ये सारा इंसिडेंट अपने पेरेंट्स को बताया। अब उनकी ये सारी बातें चल ही रही थी कि दिशा भी वहाँ से अंदर आ गई। तो उसकी मॉम ने उसको सीधा ही पूछ लिया कि तू जो जोत लेके जाती है वो जलाती कहाँ पे है। बट इंटरेस्टिंगली दिशा ने उनसे झूठ नहीं बोला, उसने सच बोल दिया कि जो मैं जोत लेके जा रही थी वो मंदिर में जला रही थी। और उसकी मॉम ने उसके बाद उसको बहुत डांटा कि घर पे अंधेरा नहीं रखना चाहिए, तुझे घर पे जोत जलाने के लिए बोला था। लेकिन दिशा उल्टा मंदिर की तारीफें किए जा रही थी कि मेरी एक फ्रेंड भी है जो उस मंदिर में जोत जलाने आती है और जो पास ही के गाँव में रहती है, और वो मुझे ये भी बताती है कि अगर आप इस मंदिर में माथा टेकोगे तो जिनका ये मंदिर है वो आपको हेल्थ वेल्थ सब देंगे। और एक तरह से मानो तो दिशा को उस मंदिर का ऑब्सेशन ही हो गया था, वो जब भी बात करे वो उस मंदिर के बारे में ही बात की जा रही थी। तो घर वालों ने उसको काफी डांटा, और उसके बाद उन्होंने बोला कि कल से तू जोत जलाने नहीं जाएगी। और ये इंसिडेंट हुआ, इसके बाद उन्होंने फिर से खाना वाना खाया और वो फिर से सोने चले गए। अब फिर से रात को वही समय हुआ 1:30 बजे के अराउंड, और दिशा की फिर से आवाज़ें आनी शुरू होगी। लेकिन अमित इस पर ही बहुत चौकन्ना था, क्योंकि उसने बहुत कुछ ऐसा देख लिया था जो कि कोई भी देखे तो डरेगा ज़रूर। तो अमित ने इस बार एक प्लान किया, उसका मुँह जो था वो दिशा वाली साइड ही था, तो उसने आराम से कंबल हटाया और अपनी आंखें खोल के देखा, तो जो उसने देखा उसने उसको एक बारी फिर से डरा दिया। उसने देखा कि दिशा बेड पे सामने बैठी हुई है, और दिशा का फोन अमित के पास ही पड़ा हुआ था, और दिशा मानो ऐसे किसी से बात कर रही थी जैसे बेड पे दिशा के साथ कोई और भी बैठा है। और कॉन्टिन्यूसली दिशा सिर्फ उस मंदिर के बारे में ही बातें कर रही थी कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी इस मंदिर के बारे में, मुझे बहुत शांति मिलती है वहाँ पे, और मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी कि इस मंदिर में अगर हम माथा टेकते हैं पूजा करते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होगा। ये देख के अमित और भी ज़्यादा डर गया, लेकिन वो उठ के रिएक्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि इस सिचुएशन पे अगर अमित रिएक्ट करेगा तो दिशा का रिएक्शन क्या होगा ऊपर से, और क्या उसके साथ सही में कोई बातें कर रहा था और शायद वो दिशा को हार्म भी पहुंचा सकता था। तो ऐसी बहुत सारी बातें अमित के दिमाग में घूम रही थी। तो उसने रोज़ की तरह सेम ही किया, ब्लैंकेट फिर से अपने मुँह पर ले लिया, और ब्लैंकेट के अंदर से ही रोज़ की तरह दिशा को वही बोला कि चुपचाप से सो जा, वो रोज़ मेरी नींद ख़राब करती है। और उसके बाद वही हुआ जो रोज़ होता था, दिशा चुपचाप से सो गई। अब इसके बाद दिशा तो सो गई थी, लेकिन अमित रात भर नहीं सो पाया। अब ऐसी कोई भी सिचुएशन कोई भी इंसान देखे तो उसको नींद ना आना लाजमी सी बात है। सुबह उठते ही अमित ने सबसे पहले ये सारे इंसिडेंट अपनी फैमिली को बताया कि रात को ये सब कुछ हुआ। अब इसके बाद सुबह उठते ही अमित ने सारा का सारा इंसिडेंट अपनी फैमिली को सुनाया, लेकिन फैमिली ने दिशा से कुछ भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो उस मंदिर की वजह से ही हो रहा है। तो उन्होंने प्लान किया उसी दिन उस मंदिर को तोड़ने का,
वैसे भी उन्होंने एक हफ्ते के बाद वो मंदिर तोड़वाना ही था, क्योंकि उन्होंने प्लान किया था एक हफ्ते के बाद अपने पुराने घर जाके अपने कुल देवता के अंश लेके आने का। वो अंश लेके आके उन्होंने अपनी नई प्रॉपर्टी में उनका मंदिर बनवाना था। लेकिन इस सारे इंसिडेंट के बाद उन्होंने एक हफ्ता वेट नहीं किया, बल्कि उसी दिन प्लान किया उस मंदिर को तोड़वाने का। और जब वो अपनी प्रॉपर्टी में गए तो वहाँ पे पहले ही लोग काम पे लगे हुए थे, तो उन्होंने उनमें से ही एक मजदूर को बुलाया उसका हैमर लेके और मंदिर को तोड़ने के लिए कहा। लेकिन जैसे उस मजदूर ने उस मंदिर पे हैमर से हिट किया तो वो हैमर रिफ्लेक्ट होके सीधा मजदूर के ही पैर पे जा टकराया, और वो उसके पैर पे इतनी जोर से लगा कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अब घर वाले और भी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वो मजदूर हैमर से ही काम करता था और काफी सालों से काम कर रहा था, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ था। इसके बाद उन्होंने मंदिर को तोड़ना बंद करवा दिया और उस मजदूर को सीधा वहां से हॉस्पिटल लेके गए, जहां पे उसका इलाज हुआ। अब ये सब कुछ देख के अमित की फैमिली और भी ज्यादा डर गई थी, लेकिन उन्होंने जमीन पे इतना खर्चा कर दिया था कि अब वो वहां से वापस भी नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने जो प्लान किया था एक हफ्ते बाद अपने पुराने घर जाके अपने कुल देवता के अंश लेके आने का, उन्होंने वो प्लान प्रीपोन कर लिया और अगले हफ्ते की जगह वो अगले दिन ही वहां पे जाने वाले थे। खैर जैसे तैसे शाम हुई और इस शाम को उन्होंने प्लान किया कि वो जोत अपने घर पे जाके नहीं जलाएंगे, और रात को उन्होंने खाना वाना खाया और उसके बाद वो सोने चले गए। लेकिन जब वो सोने गए उसके बाद उनके घर पे बहुत ही भयानक इंसिडेंट हुए। दिशा एक तरह से पोजेस्ड हो गई थी और वो जोर जोर से चीख रही थी, और चीखते हुए वो उस मंदिर के बारे में ही बातें कर रही थी कि अब इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश भी मत करना, और इस मंदिर की रोज पूजा करो, जिनका ये मंदिर है वो तुम्हें सब कुछ देंगे, बस तुम इनकी पूजा करो। और ये बोलते बोलते ही दिशा के हाथ पैर भी मुड़ गए, और वो वही रट लगाए हुए थी कि इस मंदिर को तोड़ने की अब कोशिश भी मत करना और इस मंदिर की पूजा करो, ये तुम्हें सब कुछ देंगे। लेकिन इसके बाद दिशा की फैमिली ने दिशा को बहुत मुश्किल से शांत करवाया, और वो रात उनकी बिना सोए ही निकली। इसके बाद दिशा की फैमिली ने दिशा को बहुत मुश्किल से शांत करवाया, और ये सब कुछ होते होते रात के ऑलमोस्ट 3 बज गए थे। इसके बाद दिशा को शांत करवा के उन्होंने सुला दिया। अमित भी सो गया क्योंकि रात काफी हो गई थी, लेकिन उसके मोम डैड को बहुत टेंशन थी इस चीज की, तो उन्होंने सोचा कि वो बाहर थोड़ी देर टहलते हैं उसके बाद सोएंगे। लेकिन जो उनके रेंटेड अपार्टमेंट का बरामदा था वहां से उनका जो घर था वो बिल्कुल सामने दिखाई देता था, और वो दोनों बाहर बरामदे में टहलने निकल गए। टहलते टहलते जब उन्होंने अपने घर की तरफ देखा तो उनको ऐसा लगा जैसे उनके घर की टेरेस पे कोई लेडी घूम रही है, और ये देखते ही वो समझ गए कि कुछ ना कुछ इस घर के साथ गलत जरूर है, और जो कुछ भी गलत है वो इस मंदिर की वजह से ही है। तो वो सुबह होते ही सबसे पहले अपने पुराने घर चले गए। जैसे वो अपने पुराने घर पहुंचे तो जो कुल देवता होते हैं उनके एक पुजारी भी होते हैं जो घर का सबसे सीनियर मेंबर होता है, तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम लोग अगले हफ्ते आने वाले थे, तुम पहले क्यों आ गए? तो अमित की फैमिली ने उनको सब कुछ बताया कि ये हमारे घर पे हो रहा है, और उनको लगता है ये उसी मंदिर की वजह से हो रहा है। तो जो उनके कुल देवता के पुजारी थे उन्होंने थोड़ी देर बैठ के ध्यान लगाया। जैसे उन्होंने ध्यान लगाया उसके बाद उन्होंने उनको सब कुछ बता दिया कि वो जो मंदिर है वो किसी भगवान का मंदिर नहीं है, बल्कि ये मंदिर एक औरत ने बनवाया था और उसमें वो किसी और ही चीज़ की पूजा करती थी। लेकिन उसके बाद वो औरत खुद मर गई और वो पूजा होनी बंद होगी, तो उसके बाद वो शांत था। लेकिन जब आपने उस मंदिर में माथा टेकना शुरू कर दिया या फिर जोत जलाना शुरू कर दिया तो उसके बाद जिस भी चीज़ का वो मंदिर था वो फिर से एक्टिवेट होगी, और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप उसकी रेगुलर पूजा करोगे। तो अमित की फैमिली ने इस चीज़ का सलूशन पूछा कि आखिरकार इसका सलूशन क्या है। तो उन पुजारी ने उनको बताया कि आप अपने कुल देवता का जो अंश लेके जाने वाले हो उसको लेके जाओ, पहले उसकी आज ही स्थापना करो, और उसके बाद स्थापना करके उस मंदिर को तोड़ देना। आपके कुल देवता आपकी सहायता करेंगे उस मंदिर को तोड़ने में। और अमित की फैमिली ने बिल्कुल वैसा ही किया, वो सीधा वो अंश लेके वापस अपने घर चले गए। घर जाते जाते उनको दोपहर हो गई थी, तो उन्होंने दोपहर में ही अपने घर पहुंच के एक पंडित को बुलाया और घर के पास ही एक छोटा सा स्पेस बना के अपने कुल देवता की स्थापना कर दी, और उसके बाद उन्होंने वो मंदिर तोड़ दिया। और उसके बाद सही में उनको मंदिर तोड़ने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो जैसे उन्होंने वो मंदिर तोड़ा उसके बाद जो भी सामान उस मंदिर के अंदर था उन्होंने वो सारा का सारा सामान पानी में प्रवाहित कर दिया, और उसके बाद से लेके आज तक अमित की फैमिली के साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने घर में शिफ्ट होने से पहले भी शांति हवन प्रतिष्ठा वगैरह ये सब कुछ करवाया। इसके बाद अमित की फैमिली के साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। तो ये इंसिडेंट हमें ये बताता है कि आपको कोई भी मंदिर अगर दिखे तो जरूरी नहीं कि उसमें माथा ही टेकना है, पहले ये चेक जरूर कर ले कि वो मंदिर आखिरकार है किसका, और उस मंदिर के अंदर किसी भगवान की मूर्ति है भी या नहीं, नहीं तो आपको भी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। सो आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास भी ऐसी कुछ स्टोरीज हैं तो आप मेरी मेल आईडी या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।